स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। क्या हुआ, क्यों देर हो रही है? कहीं उनकी गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं हो गया? लोग नहीं आ रहे हैं विक्की। क्यों? संधू जी ने रोका कैंसिल कर दिया। विराट तू क्यों रुका यार, तू तो खा रहा था नॉर्मल टाइम पे। कुछ नहीं भाई, ऐसे सोचा आपको थोड़ी कंपनी दे दूंगा। वैसे भी आपको कंपनी देने के लिए और कोई तो है नहीं, भाभी तो है नहीं यहाँ पर। वैसे आपको पता चला कल डब्बू का रोका है? डब्बू का रोका नहीं पता, नहीं वो अब जीविका ने बताने की कोशिश की होगी, बस गाड़ी चला रहा था इसलिए शायद। हेलो मानवी बेटा, लगता है हमारी मेहनत रन ला रही है। विनयन और जीविका एक दूसरे से फोन पे बात कर रहे हैं। जीविका बहुत खुश लग रही है, बिल्कुल पहले की तरह विनयन से बात कर रही है। चलो हमारी मेहनत कुछ तो रंग लाई। क्या बोले जा रही हो पीजी? जीविका दी और जीजू बात कर रहे हैं। Excuse me, जीजू ये डाइनिंग टेबल पे बैठ के विराट से बात कर रहे हैं और आप कह रही हो जीविका दी से बात करें? कुछ भी। हाँ विनयन जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपकी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है क्या? कोई बात नहीं, मैं सबको बता दूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ जी पीजी, वो विरेन जी की दिल्ली में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, पर उन्होंने कहा कि वो शादी में ज़रूर आएंगे, कल नहीं आ पाएंगे। सबको बधाइयाँ भी दी है। अच्छा वैसे आपको पता चला कल डब्बू का रोका है? नहीं पता। सर झगड़ा तो मेरा जीविका के साथ है, मुझे एक बार ऋषिकेश फोन करके सबको कॉन्ग्रेचुलेट तो करना चाहिए। हेलो विनय बेटा। चाचू तो रोके की तैयारियां कैसे चल रही हैं? अरे तैयारियां तो बड़ी जोर शोर से चल रही हैं बेटा, सिर्फ एक बात का मलाल है कि तुम नहीं आ पाओगे। वो जीविका बता रही थी कि तुम दिल्ली में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ले जाने वाले हो। नहीं तो नहीं चाचू, वो जीविका एक्चुअली ठीक कह रही है, वो मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है दिल्ली में, सॉरी नहीं आ पाऊंगा, प्लीज पूरा मत मानिएगा। लेकिन डब्बू को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयां देना और चाचू के मेरे लायक कुछ काम तो प्लीज बताना। ठीक है बेटा, चलिए बाय। तो जीविका नहीं चाहती कि मैं ऋषिकेश आऊं, उसकी फैमिली फंक्शन में शरीक हूं, इसलिए सबसे झूठ बोलती है कि मेरी मीटिंग है। सीरियसली जीविका, इतना ही खलता हूं मैं तो। जीजू, जीजू हम लोग कब ऋषिकेश के लिए निकल रहे हैं ना, आपने पैकिंग नहीं की, मैं आपकी हेल्प कराऊं? नहीं मैं नहीं आ रहा। जीजू आप क्या कह रहे हैं, आप डब्बू का रोका है कल? हम मेरे कहने का मतलब है कि मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है इसलिए मैं आ नहीं पाऊंगा, सॉरी। जीजू पर आपके बिना वहां पे हम मतलब ऐसे कैसे एकदम से? दी के लिए कोई मैसेज? थैंक यू कह देना मेरी तरफ से। क्या आप कह रहे? मानवी मेरी ब्लू टी शर्ट कहाँ है? जाओ
देख लो सके अच्छे जीजू पर जाओ। जीजू सच में आपके बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा, सब कुछ बहुत सोना सोना लगेगा, आगे आपकी मर्जी। गुड नाइट। लेकिन कुछ लोग ऐसे जो मेरे नहाने से बहुत खुश होंगे। हेलो। हाँ हाँ, अरे दोपहर तक सारा सामान पहुंच जाना चाहिए। और उस बिजली वाले को बोल यार, दोबारा ट्रिप हुआ ना तो मैं उसको ट्रिप कर दूंगा। हाँ अच्छा, आप एक बार ना लिस्ट की एक बार टैली कर दो आप प्लीज ना। हाँ बोल। अरे ये प्लास्टिक की चल रहा है तू? अरे गद्दी की क्यों नहीं लाया? जा मुझे वही नहीं चलेगी, दूसरी लेके आ। अभी जा ये रख दे पहले। बेटी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? वो डब्बू, कल मैं तुम्हें ठीक से विश नहीं कर पाई ना, तो सोचा कि आ जाके विश कर दूं। वैसे स्वीटी एक बात कहूँ, तुम यहाँ पे कभी भी आ सकती हो, जब तुम्हारी मर्जी हो ना तुम यहाँ मुझे विश करने के लिए आ सकती हो, क्योंकि तुम मेरी स्पेशल फ्रेंड हो ना इसलिए। हाँ डब, अपनी गाड़ी दोस्ती से शुरू हुई और दोस्ती पर ही खत्म हो गई, सिर्फ एक ही स्टेशन। तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक दोस्त से ज्यादा समझने लगी थी, दिल की कोई भी बात हो मैं तुमसे शेयर करने लगी थी, खुद से ज्यादा भरोसा करने लगी थी तुम पर। खैर ये सब मैं तुम्हें अब क्यों बता रही हूं? तुम हमेशा खुश रहना डब्बू। बेस्ट डब्बू, तुम्हारी ये लाइफ की नई इनिंग्स का कभी देर ना हो, तुम हमेशा नॉट आउट रहो। बाय डब्बू। जीविका बता रही थी कि तुम दिल्ली में किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग ले जाने वाले हो। अरे वीरेन, मुझे तो लगा तुम ऋषिकेश गए हो विराट और मानवी के साथ। नहीं चाचू, वो दरअसल थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो गया। एनीवे वो मिस्टर सिन्हा के साथ मीटिंग थी, कैसी गई? अनफॉर्चुनेटली मैं उन्हें कल मिल नहीं पाया था, वो उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं किया। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मीटिंग तो बहुत अच्छी रही। या खुशी का माहौल है, इस पूरी भीड़ भाड़ के बीच में भी ये अपने आप को कितना तन्हा महसूस कर रही। सिर्फ इसलिए क्योंकि क्योंकि जीजू यानी
जीविका, तुम्हारे पति कहीं नजर नहीं आ रहे? वो दिल्ली में, उनकी बहुत जरूरी मीटिंग थी, इसीलिए वहां है, आ नहीं पाए। आप आइए ना, बैठे ना, बैठे। जी, रोके का वक्त निकला जा रहा है, लड़की वाले अब तक पहुंचे नहीं है। मैं संधू जी को फोन करके देखता हूँ। एक मिनट में आया, ठीक है? एक्सक्यूज मी। अरे क्या दुले राजा, क्या लग रहे हो तुम इन कपड़ों में? आज तो तुम्हारे सामने शाहरुख खान भी फेल है। थैंक यू, थैंक यू। पिंकी, मुझे बहुत चिंता हो रही है, ये लड़की वाले अभी तक पहुंचे नहीं है, रोके का वक्त चला जा रहा है और फोन भी नहीं उठा रहे। फिर से ट्राई करो जी। अरे संधू जी का फोन आ गया। हेलो संधू जी, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या ये क्या कह रहे हैं संधू जी आप? हेलो हेलो संधू जी, क्या हुआ, क्यों देर हो रही है? कहीं उनकी गाड़ी का टायर पंचर तो नहीं हो गया? वो लोग नहीं आ रहे हैं पिंकी। क्यों? संधू जी ने रोका कैंसिल कर दिया। कह रहे हैं कि बेटी पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करेगी, तभी शादी के लिए तैयार हो पाएगी। लेकिन ये बात तो वो हमें पहले भी कह सकते थे। अब जब सारी तैयारी हो गई है, मेहमान आ चुके हैं, क्या बताएंगे सबको कि लड़की ने रोके से मना कर दिया? बात तो गई, नहीं रहेंगे हम, पूरी बिरादरी में नाक कट जाएगी हमारी। मेरा लाल, क्या होगा मेरे लाल, मेरे बच्चे क्या होगा? अब कौन करेगा तुमसे शादी? हाय रब्बा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। कुछ नहीं होगा आंटी जी, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।